हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशन एंड यू वाचिंग आरटी जियो टेक जोन। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन से यानी 3D टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, कि कुछ इस टाइप के आप यहाँ पर मेरी गैलरी में जो देख सकते हैं, इस टाइप के मैंने जो जियो फोन से बनाए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो गाइस, ये मैंने कैसे बनाए और किससे ये बनते हैं, यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क ऑन कर लेना है, डेटा कनेक्शन, और आपको अपने गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको फ्लेमिंग टेक्स्ट। सो गाइस, मैं यहाँ पर गूगल पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फ्लेमिंग टेक्स्ट। सो गाइस, हमारे यहाँ सजेशन में भी जो हमें मिल जाएगा। गाइस, मैंने यहाँ पर फ्लेमिंग टेक्स्ट टाइप कर दिया है और यहाँ से ओके कर देता हूँ। सो गाइस, अब यहाँ पर हमें ओके कर देने के बाद यहाँ पर हमें नीचे जो है, यहाँ पर हमें फ्लेमिंग टेक्स्ट जो है लिंक या वेबसाइट जिसे जो है ये यहाँ पर मिल जाएगी, इस पर हमें क्लिक कर देना है गाइस। सो गाइस, इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट आपको कुछ खास नहीं दिखेंगे, ये टेक्स्ट इस टाइप के आप बना सकते गाइस। सो गाइस, अब हमें यहाँ पर बहुत सारे जो हमें और भी देखने हैं कि और भी अलग अलग कैसे हम बना सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलेगा स्टार्ट नाउ विद फ्लेमिंग टेक्स्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना गाइस। सो गाइस, जैसे ही आप स्टार्ट विद फ्लेमिंग टेक्स्ट पर टाइप करोगे तो वहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर इस टाइप का जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें नीचे एक्स्ट्रा फीचर्स जो इसमें मिलते हैं वो है यहाँ पर कैटेगरीज के। सो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, इस पर जो जो भी कैटेगरी पर आप क्लिक करोगे वो वहाँ पर उस टाइप का टेक्स्ट बन जाएगा। सो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने अभी आपको बताए थे, सो उस टाइप के मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो तो बताए थे। अब 3D टाइप के बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो गाइस, आप 3D टेक्स्ट पर करोगे तो आपको इस टाइप के यहाँ पर बहुत सारे जो 3D टेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक पर क्लिक करके देखता हूँ, तो ये वाला हम अपने नेम या कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, जो भी आपको क्रिएट करना है उस पर आपको लोग सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट लोगो का जो एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर आप अपना जो है जो भी नेम लिखना टाइप करना चाहते हो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। सो गाइस, ये यहाँ पर इसका सेकंड पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। और अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये अब हमें इसको एडिट करना होगा अपने हिसाब से, जो कि हम अपना नाम लिखेंगे या कुछ भी अपने हिसाब से जो है जो आप चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको ये ब्रश दिखेगा यहाँ लोगो टेक्स्ट पर, तो इसको आपको ब्रश से आपको अपना नाम लिख देना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल का नेम जो यहाँ पर टाइप कर दिया आरटी जियो टेक जोन, और यहाँ पर आपको कुछ अलग जो कुछ इमोजी वगैरह यहाँ पर ऐड करने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर स्टार का जो इमोजी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहाँ पर आपको फिर से डन करना पड़ेगा, और इसकी फॉन्ट की साइज को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको यही रखूँगा। और यहाँ पर फॉन्ट को आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो फॉन्ट्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर किसी एक को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सब हमारा हो जाने के बाद आपको ऊपर जो है हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, किस टाइप का हमारा जो टेक्स्ट बना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस टाइप का बन गया। अब इसको हमें और ज़्यादा कुछ करना है तो इसके लिए, सो गाइस ये सब तो हमने कर दिया। अब इसमें थोड़ा और भी एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट के नेक्स्ट इसके आगे लोगो दिखे, इस पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी आप इससे चेंज कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल वाइट है, तो इसको अब हमें कुछ अलग टाइप का करने के लिए हम यहाँ पर अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते गाइस इस टाइप से। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक रेड कलर सिलेक्ट कर दिया, और अब यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारा जो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये कलर ऐड हो जाने के बाद अब हमें नीचे और भी हम इसे कुछ एडिट कर सकते हैं इस टाइप से, ये कुछ खास नहीं है। और इसके बाद हमें शेडो, इसका अगर शेडो क्रिएट करना है किस टाइप से नीचे आप दिख रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं किस साइड में, और ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो गाइस, आप ये सभी एडिट कर दोगे तो आपको वो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना गाइस, और आपको रिजल्ट ऊपर देखने को मिल ही जाएगा इस टाइप का हमारा जो है वो फोटो जो क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब इसको डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गाइस,
गाइस आप जिस पर भी नेक्स्ट करोगे तो वो इस टाइप सा आ जाएगा। और अब इसको हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस अब ये हमारा डाउनलोड तो हो जाएगा। अब मैंने जो अभी गैलरी में आपको बताया था उस टाइप के फॉन्ट आप कैसे बना सकते तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वहाँ पर आ गया जहाँ पर आप मैंने आपको पहले बताया था कि 3D पर क्लिक करना, यानी कैटेगरी मल्टीपल कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर मैं आ गया। तो गाइस मैंने जो बनाए थे वो यहाँ पर एनिमेटेड वाले में से बनाए थे, तो इस पर आप क्लिक कर देना है आपको अगर गैलरी में से आपको अभी देखे तो वो उस टाइप के बनाने हो तो। सो गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस वहाँ पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वो सारे इफेक्ट जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ वो सारे इफेक्ट यहाँ पर आ गए। सो गाइस मैं यहाँ पर इस वाला को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आप एडिट करके यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं या कुछ भी, तो ये उस टाइप से एडिट हो जाएगा। सो गाइस ये भी यहाँ पर आ गया, इसको भी एडिट करेंगे हम। तो यहाँ पर अब एडिट में हम अपना नाम लिख देंगे और फिर उसी टाइप से वही प्रोसेसिंग है। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको फास्ट जो सो गाइस मैंने इसमें भी उसी टाइप से जो यहाँ पर टेक्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने आरटीजी ऑटो जोन लिख दिया, और यहाँ से आप इसमें भी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं बैकग्राउंड्स लोगोस वगैरह को क्लिक करके। लेकिन मैं आपको फास्ट बता दूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको भी उसी टाइप से डाउनलोड कर लेंगे, और ये भी हमारा डाउनलोड होकर गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। गाइस अब ये हमारा यहाँ डाउनलोड वाले पेज पर आ गया और यहाँ पर हमें शो हो जाएगा इस टाइप का हमारा बना है। अब हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पर आपको फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस ये यहाँ पर आपको साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। सो गाइस ये हमारा आप यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में आप देख सकते हैं वहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ ये हमारे किस टाइप के जब भी हमने बनाए ये बने, तो इसके लिए आप ये यहाँ पर अभी डाउनलोड किए ये देख सकते हैं ये अभी हमने बनाया, और ये वो पहले वाला जो है 3D टेक्स्ट में हमने बनाया था वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का जो बन गया। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।